हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। और हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन चल रहे हैं, तो चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे हम लोग आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। हम लोग आयरन आर्टिकल्स के ऊपर पेंट क्यों करते हैं? तो उसका सिंपल सा आंसर है टू प्रिवेंट कोरोजन। हम लोग कोरोजन से आयरन आर्टिकल को बचाना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग वहां पर पेंट कर देते हैं। यहाँ पे क्योंकि आयरन की बात हो रही है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन भी हम लोग लिख सकते हैं। तो इसका मतलब बेनिफिट क्या है पेंट करने से? जब पेंट अपन अप्लाई कर देते हैं तो जो लिंक है किसके बीच में, आयरन सरफेस एंड मॉइस्चर, जो मॉइस्चर है और जो आयरन सरफेस के बीच में लिंक है वो पॉसिबल नहीं होता, इज नॉट पॉसिबल बाय अप्लाइंग पेंट। तो hence oxidation of iron does not take place, और इस वजह से जो ऑक्सीडेशन है आयरन का वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब ऑक्सीडेशन होता है तो उसे ही वी कॉल corrosion या फिर रस्टिंग ऑफ आयरन भी हम लोग कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन बाय। जिन फूड आइटम्स के अंदर ऑयल होता है, या फिर यू कैन से कि मतलब जो हमारे पास चिप्स वगैरह के पैकेट होते हैं उनके अंदर हम लोग कहता है गैस ऐड करते हैं नाइट्रोजन बाय। तो नाइट्रोजन जो है वो किसके अंदर एक्ट करती है? एंटी ऑक्सीडेंट की तरह एक्ट करेगी, इट विल नॉट अलाउ ऑक्सीजन टू हैव अ कॉन्टैक्ट विद फूड आइटम्स। ये ऑक्सीजन को फूड आइटम के साथ कॉन्टेक्ट में नहीं आने देगी, हेंस ऑक्सीडेशन ऑफ फूड आइटम्स नॉट पॉसिबल, और फूड आइटम्स का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होता, और वी कैन से rancidity of food does not take place। तो rancidity नहीं हो पाती, और उसी के लिए हम लोग नाइट्रोजन को यहाँ पे ऐड करते हैं। नाइट्रोजन एक एंटी ऑक्सीडेंट की तरह काम करेगा, जो ऑक्सीजन को कॉन्टेक्ट में नहीं आने देगा फूड आइटम से, और इसलिए जो फूड आइटम्स है वो काफी लंबे समय तक सेव रहेंगी, और यही करने का पर्पज होता है। करोजन में यहाँ पे डबल आर हम लोग लगाएंगे, करोजन के स्पेलिंग में COOR होता है। नेक्स्ट 20th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टर्म्स विद वन एग्जाम्पल ईच। तो हमें इनकी टर्म्स को एक्सप्लेन करना है और एक एग्जाम्पल भी देनी है। तो फर्स्ट इज करोजन। तो करोजन क्या चीज है? This is the process, ये वो process है in which जिसमें matter is
अटैक्ड बाय, मेटल पे अटैक करता है कौन? मॉइस्चर, एसिड्स एक्सेट्रा एंड मेटल स्टार्ट्स टू करोड़। तो मेटल पे मॉइस्चर या एसिड अटैक कर जाते हैं और मेटल जो है वो करोड़ होना यानी घूमना शुरू हो जाती है, एंड प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? करोजन बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन आ गई। एक एग्जांपल आप दे सकते हो, रस्टिंग आयरन, इसका कलर क्या होता है? रेड, ब्राउन, ब्लैकी सब्सटेंस। और क्या दे सकते हो आप लोग? ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर ड्यू टू रिएक्शन विद सल्फर, जो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? एयर के अंदर। और क्या फॉर्म करती है? सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग, दैट इज Ag2S। तो आयरन के केस में जो रेस्ट का फॉर्मूला होता है वो Fe2O3 डॉट XH2O। एक्स मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स की गिनती कोई फिक्स नहीं होती। तो इस तरीके से ये जो है करोजन की आपके पास डेफिनेशन हो गई और ये दो एग्जाम्पल्स हो गए। इसके अलावा एक एग्जाम्पल और भी दी हुई है, कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग, कॉपर कार्बोनेट, तो वो भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट इज रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी करेंगे अब हम लोग, व्हाट इज रेंसिडिटी? तो रेंसिडिटी क्या होता है? अभी अपन ने बात ही की थी कि नाइट्रोजन को क्यों ऐड किया जाता है, तो वहीं से आएगा। इट इज द प्रोसेस इन विच ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स बिकम रेंसिड, मींस देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज ड्यू टू ऑक्सीडेशन। तो ये प्रोसेस है जिसमें ऑयल और फैट वाला फूड आइटम रेंसिड हो जाता है, मतलब उसका स्मेल और टेस्ट बदल जाएगा क्योंकि खाने की ऑक्सीडेशन हो गई है, ऑक्सीजन ने उस खाने के साथ रिएक्ट कर लिया है। एग्जाम्पल जैसे आप लोग दे सकते हो, पेन चिप्स आर कैप्ड ओपन इन एयर, देयर स्मेल एंड टेस्ट विल चेंज आफ्टर सम टाइम। ठीक है जी, तो ये एग्जाम्पल दे सकते हैं। और साथ में हम लोग एंटीऑक्सीडेंट की यहाँ पे बात एक ऐड करते हैं, तो प्रिवेंट ऑक्सीडेशन एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंसेस आर एडेड। और एग्जाम्पल के लिए वही दे देंगे हम लोग नाइट्रोजन वाली कहानी। नाइट्रोजन
गैस इज फ्लश्ड इन चिप्स बैग्स। तो इस तरीके से रेंसिडिटी की आपकी डेफिनेशन भी हो गई, एक एग्जांपल भी हो गया, और साथ में आपने इसको प्रिवेंट करने का एक तरीका भी बता दिया। आपको ये तो खैर पता भी होना चाहिए कि अगर ऑक्सीडेशन स्लो करनी है, मैं रुक तो नहीं सकता लेकिन स्लो करना है, तो उसके लिए आप उसको एयर टाइट कंटेनर के अंदर जो भी सामान है खाने वाला उसके अंदर रख दोगे, ऑक्सीडेशन तो होगा लेकिन जो टाइम पीरियड है वो स्लो हो जाएगा ऑक्सीडेशन होने का। ये आप लोग लिख सकते हो। और जो हमें यहाँ पे क्रोजन लिखा है, जो क्रोजन है वो भी एक ऑक्सीडेशन का ही एप्लीकेशन है, ये आप लिख सकते हो, इट इज एन ऑल्सो एग्जाम्पल और एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन। तो मतलब मेटल्स का क्रोड होना भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। ओके, तो ये हमारे 3 क्वेश्चन थे जो चैप्टर में रहते थे। तो एक्सरसाइज हमारी आज खत्म हुई और फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली कंप्लीट डन हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।